आप अपना जहन सही करो, अच्छे बनो, सच्चे बनो। मरतबत इमाम अली मकाम की दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह नमाज के हवाले से ये बात मैं बताऊंगा, वो इसलिए कि देखो करबला में इमाम अली मकाम के 72 जख्म लगे, और देखो तीर जो थे ना कुछ तो आर पार हो गए थे पहले से, और कुछ इतने आधे अंदर थे और आधे बाहर थे जिस्म में, लेकिन जब आप घोड़े से जमीन पर आए ना तो जो तीर बाहर थे वो भी आर पार हो गए थे। ऐसे वक्त में भी ध्यान सुनना मेरे भाई, ऐसे वक्त में भी नबी के नवासे ने, फातिमा के शहजादे ने, आपको पता था कि मेरे खेमों को आग लगा दी जाएगी, मेरे हुसैन को पता था बीमार आबिद के पैरों में बेड़ियां डाल दी जाएंगी, हाथों में हथकड़ियां जकड़ दी जाएंगी, जानते थे हुसैन, आपको पता था मेरी छोटी सी बेटी जिसको नींद नहीं आती जब तक मेरे सीने पर कुछ देर आके खेल ना ले, जिसको नींद नहीं आती जब तक मेरी आगोश में आकर के लेट ना जाए, आपको सब कुछ पता था। लेकिन कभी सोचा है आपने आखिरी वक्त में हुसैन याद किस चीज को कर रहे हैं? न बहन जैनब का नाम लेते हैं, न बेटे जैनुल आबिदीन का नाम लेते हैं, न अपनी चहेती फूल जैसी बेटी सकीना का नाम लेते हैं। आखिरी वक्त में हुसैन नाम लेते हैं तो नाना जान की आंखों की ठंडक नमाज का नाम लेते हैं। ऐ हुसैनियों, उन्होंने उस वक्त में नमाज नहीं छोड़ी जब वो तशद्दुद की आंधियों में, जुल्म के तूफानों में, बातिल के ईमानों में आखिरी सजदा करके नबी का नवासा दुनिया को बताकर चला गया। न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साय में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साय में। क्या बता जबान का बुद्धि है मेरी, क्या बता जबान का बुद्धि है मेरी, क्या बता जबान का बुद्धि है मेरी, कुन पाए आले खैरुल बशर जख्म है, कितनी तकलीफ है, राहे हाथों में गला छिद गया तीर से, शह के हाथों में असर है अली चल बसा बाप से बह कसम, मुझे इतना पसंद है, मैंने कितनी बार पढ़ा, दो साल से पढ़ रहा हूं, उस मनकबत को दिल ही नहीं भरता। इस शेर को आप सुने, जब भी याद आया करे तो गुनगुना लिया करना। नाज़ी जिनका तेरे शाहे उम्म, बस कबूल कर ले और झंडे तो वहां कितने होंगे, प्यार से बोलो नाज़ी जिन्ने का, प्यार से जिन्ने को ल
चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिले, फिर नहीं फिर लगता, जल्द मिलेंगे। चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। पौने 12 हजरत का बयान इंशाल्लाह 12:15 12:30 तक सलाम हो जाएगा। कम से कम ज्यादा अमल करो। वमा अलैना इल्ला बला, हर समय अपने खून की रमक छोड़ जाऊंगा मैं, करबला का फिर से सबक छोड़ जाऊंगा, जहनों की तीरगी को मिटाने के वास्ते एहसास की रगों में शफक छोड़ जाऊंगा, देकर बुलंदियों का सभी को मैं हौसला, परवाज़ी फिजा का हक छोड़ जाऊंगा, पढ़ने के बाद जाग उठेंगे तमाम लोग, तारीख में मैं ऐसा वरक छोड़ जाऊंगा, कदम की खाक आंखों का पानी छोड़ जाऊंगा, मैं दरिया हूँ बहाव में रवानी छोड़ जाऊंगा, मुझे मालूम है आखिर किसी दिन तेरी दुनिया से चला जाऊंगा, पर अपनी कहानी छोड़ जाऊंगा। वो असलाम।